इंतजामिया भी इमरान खान को मान गई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की कावशों को देखते हुए अमेरिका ने शानदार ऐलान कर दिया। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे अगर जो भी नई आने वाली वीडियो उसका बदले नोटिफिकेशन आपको इतला मिलेगी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बरए अफगान मुफामती अमन ज़ुल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान पहुँच गए हैं। ज़ुल्म खलीलज़ाद पाक अमरीका दो तरफा मशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा में होगा, जिसमें पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और आलमी सलामती के अमूर पर ज़ेर ग़ौर आएंगे। ज़ैन ने बताया कि अमरीकी वफद आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी करेगा, जबकि ज़ुल्म खलीलज़ाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद से भी मुलाकात करेंगे। याद रहे कि गुज़श्त दिनों एक बयान में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने ओआईसी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर की मुलाकात का खैर मुकदम करते हुए पाक अफगान ताल्लुकात को इलाकाई तआवुन हमआहंगी का अहम जुज़ करार दिया था। उन्होंने कहा था कि अमरीका अफगान अमन के सिलसिले में मुआवनत के लिए हम वक्त तैयार है। इससे पहले जनवरी में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने बताया कि तालिबान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम और अमरीकी फ़ौज के इनखला की टाइम लाइन पर इतफाक़ हो गया था। इन मामले पर मुआहदे तय पा गए हैं। कहना था कि दोनों अफ्रीकन जंग बंदी चाहते हैं। तालिबान के साथ अमेरिका के ये मुज़ाकरात जनवरी में शुरू हुए थे और 12 फरवरी 2019 को इख्तिताम पज़ीर हो गए थे। ये मुज़ाकरात कतर के शहर दोहा में जनवरी में शुरू हुए थे और अप्रैल में ख़त्म हो गए थे। इससे पहले अमेरिका के अफगानिस्तान के साथ होने वाले ज़्यादातर मुज़ाकरात नाकाम रहे, लेकिन इस बार दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में अमेरिका और तालिबान दोनों ने कई मामलों में इत्तफाक कर लिया है। पिछले दिनों भी अमेरिका के साथ तालिबान के होने वाले मुज़ाकरात में ज़ुल्म खलीलज़ाद का अहम किरदार रहा है। उन्होंने ही बताया था कि तालिबान के साथ तवील मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है और अमेरिका और अफगान तालिबान ने कई मामलों पर इत्तफाक कर लिया है। अब उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में बताया है कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान जाए से जाएगा तो नेटो और इतिहादी अफवाज भी अमेरिका के साथ ही अफगानिस्तान से जाएंगी। ज़ुल्म खलीलज़ाद ने अपने पैगाम में लिखा है कि नेटो और इतिहादी अफवाज के साथ मिलकर काम करना हमारी पहली तरजीह रहा है और अब भी अगर हम अफगानिस्तान से गए तो उनके साथ ही जाएंगे और ये सब अफगानिस्तान की हिफाजत और अमन के लिए है। ये थी कुछ अपडेट्स। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देख लीजिए उर्दू न्यूज़ टीवी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।